हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? स्टडीज बढ़िया चल रही है? चलिए आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने डिलीटेड टॉपिक्स देख लिए हैं बीएससी के, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने जो डाला था उसमें आपको मैंने वो डिलीटेड टॉपिक्स बताए थे जो सीबीएसई ने 2019-20 के लिए आपकी बुक में से हटा दिए हैं। उनको अब इंक्लूड नहीं करना है, उनको हमें लर्न नहीं करना है। ओके, तो अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और रह गए हैं उसमें से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में ये जो मैं आपको मोटिवेशन का एक टॉपिक बता रही हूँ, इसके केस स्टडीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और केस स्टडीज के मार्क्स भी काफ़ी, वेटेज भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये है मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। ये मास्लो की एक थ्योरी है, अब्राहम मास्लो थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, जिन्होंने ह्यूमन बींग की नीड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया और उन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड करके इसको बताया कि एक मैनेजर इन नीड्स को क्लासिफाइड करके अपने एम्प्लॉयज की नीड को कैसे पता लगाए, कैसे वो उनको मोटिवेट करने के लिए सही नीड पे वर्क कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये स्पेशली देखते हैं कि एक मैनेजर के लिए ये थ्योरी किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। मास्लो ने ह्यूमन बींग की नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्लासीफाइड किया। अब मास्लो की, अब्राहम मास्लो की नीड है, तो हाँ, ये थ्योरी अब्राहम मास्लो की है, तो हमारा जो पूरा ओपिनियन रहेगा वो हम अपना ओपिनियन रखने के बजाय अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो ही हर बात लिखेंगे या समझेंगे। ओके, तो अब थ्योरी देखते हैं। देखिए, उन्होंने नीड्स को 5 के डिग्रीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट यहाँ है फिजियोलॉजिकल नीड्स। देखिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स वे होती हैं जो ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए मस्ट रिक्वायर्ड होती है, जिनके बिना कोई ह्यूमन बीइंग प्रॉपरली सर्वाइव कर ही नहीं सकता। इसमें क्या इंक्लूडेड है, जैसे मान लीजिए फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है और एनसीईआरटी बुक में ये नीड्स क्लियर करता है। अगर इन्हीं नीड्स को हम किसी इंडिविजुअल के तौर पर यानी किसी पर्सन के तौर पर देखते हैं तो उसके एग्जांपल्स इधर दिए गए हैं, और अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उसके एग्जांपल्स देखें कि ऑर्गेनाइजेशन में उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो वो मैंने आपको इस साइड दे रखा है। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ये बेसिक नीड्स होती है और नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा बताया जाता है। इसका शेप ट्रायंगल देने का रीज़न ही ये रहता है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स की जो नंबर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी बहुत तरह की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। ये बेसिक नीड्स है जिनके बगैर कोई ह्यूमन बींग सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ह्यूमन बींग की फर्स्ट नीड यही नीड होगी और हमको इसको बेसिक नीड कहते हैं। कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए ये नीड्स को यूज कर सकता है। अब देखिए, कोई अगर ह्यूमन बींग भूखा है, हंग्री है, तो वो और किसी भी नीड की रिक्वायरमेंट महसूस नहीं करेगा, क्योंकि एक भूखा आदमी जिसको भूख लगी है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मुझे बहुत बढ़िया मकान चाहिए या बहुत बढ़िया कार चाहिए। फर्स्ट उसकी जो नीड रहेगी वो हंगर यानी भूख को मिटाने के लिए फूड की रहेगी। तो इसमें अगर एग्जाम्पल हम इंडिविजुअल देखें तो इसमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो मास्लो ने फिजियोलॉजिकल नीड्स में इंडिविजुअल के तौर पर एग्जाम्पल दिए हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे देखते हैं तो मिनिमम बेसिक सैलरी, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई अगर वर्क करता है तो उसको एटलीस्ट इतनी सैलरी तो मिले कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। तो ये है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स देखिए, अब्राहम मास्लो कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन बींग जब तक उसकी नीचे वाली नीड पूरी नहीं होगी, उसकी नेक्स्ट वाली नीड की रिक्वायरमेंट या उसकी नीड नहीं होगी उसे। वो पहले अपनी फर्स्ट नीड को पूरा करेगा, उसके बाद ही वो सेकंड पे आएगा, उसके बाद ही वो थर्ड पे आएगा। यानी अब्राहम मास्लो को क्या कहना है कि ये स्टेप बाय स्टेप डिमांड की जाती है, ऐसा नहीं है कि एक को जंप कर दिया जाएगा। ये अब्राहम मास्लो का कहना है, ये मेरा या किसी और का कहना नहीं है, ये अब्राहम मास्लो का कहना है कि नीड्स स्टेप बाय स्टेप ही डिमांड की जाएगी, इसमें ऐसा नहीं है कि जंप किया जाएगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होने के बाद यानी एक पर्सन की बेसिक रिक्वायरमेंट फूड, शेल्टर, क्लोथिंग पूरी होने के बाद वो रिक्वायरमेंट करता है सेफ्टी और सिक्योरिटी की, कि हाँ चलो आज तो मेरी सैलरी है, कल क्या ऐसा रहेगा? क्या कल मुझे फूड शेल्टर मिल जाएगा? क्या मेरा घर होगा तो क्या कल सेफ्टी रहेगी मेरी प्रॉपर्टी की, मेरी असेट्स की सेफ्टी रहेगी? तो अगर उसका एग्जाम्पल हम इंडिविजुअल के तौर पर देखें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा,
कल मेरा क्या होगा, उसके लिए वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की डिमांड करता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे देखें तो जॉब कंफर्मेशन इसका एग्जांपल है कि हाँ आज तो मुझे जॉब मिल गई, आज तो मुझे सैलरी मिल गई या आज का वेजेस तो मुझे मिल गया, पर कल मेरा क्या होगा, इस चीज की सिक्योरिटी के लिए वो क्या मांगता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की डिमांड करता है। और वो हम उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, जॉब कंफर्मेशन के थ्रू या फिर पेंशन प्लान जो उसको फ्यूचर के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है। इस तरीके से ये सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स हैं जो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उसको फ्यूचर के लिए सेव करती है, उसको सेटिस्फाई करती है। थर्ड देखिए, थर्ड है सोशल नीड्स। देखिए सोशल नीड्स को हम बिलोंगिंगनेस भी कहते हैं, बिलोंगिंगनेस नीड्स भी कहते हैं। ये नीड ऐसी होती है जिसमें एक पर्सन अपने आसपास के लोगों से या अपने फ्रेंड से या अपने कुलीग से एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहता है, एक अच्छा रिलेशन चाहता है कि हाँ मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं उनसे मेरी फ्रेंडशिप अच्छी है, वो मेरे साथ अच्छे से बातचीत करते हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल हम सोशल नीड्स का, बिलोंगिंगनेस नीड्स का एग्जाम्पल हम इंडिविजुअल के तौर पर देखते हैं तो उसका एग्जाम्पल है लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। फैमिली से अच्छी रिलेशनशिप है, फैमिली अच्छी है, लव है, अफेक्शन है, सब एक दूसरे के साथ खुश होके रहते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जाए तो कॉर्डियल रिलेशनशिप विद कुलिक्स, कि हमारे कुलिक्स के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, मेरे कुलिक्स मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सब आपस में बैठ कर बातें करते हैं या हम अपने दुख सुख को शेयर करते हैं, अपने सॉरोज और हैप्पीनेस को शेयर करते हैं, इसे हम कहते हैं सोशल नीड्स। ह्यूमन बीइंग है, ऑफ कोर्स अगर उसकी हंगर या बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी तो वो सोचेगा फ्यूचर के लिए, जब फ्यूचर की उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हो जाएगी तब वो क्या मांगेगा, बिलोंगिंगनेस मांगेगा। ठीक है, तो उसे चाहिए कि मेरी सबसे फ्रेंडशिप हो, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट हो, सबके साथ मेरी अच्छी रिलेशनशिप हो। ये नीड्स पूरी होती है लव, अफेक्शन और फ्रेंडशिप से या फिर कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द कुलिक्स, कुलिक्स के साथ में अच्छी रिलेशनशिप से। तो ये हुई आपकी सोशल नीड्स। उसके बाद आती है एस्टीम नीड्स। देखिए एस्टीम नीड्स थोड़ी सी ईगो वाली होती है कि हाँ मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, मेरी जो पोजीशन या मेरी जो पोस्ट है उसका एक अच्छा सा टाइटल होना चाहिए। जैसे एक पर्सन सीईओ है कंपनी में तो ये उसके जॉब का टाइटल है कि वो सीईओ है, सीनियर मैनेजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉब का टाइटल और ऑटोनॉमी मतलब वो बिल्कुल फ्री है, अपने वर्क से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर उसके पास है, वो फ्री है अपने वर्क से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। ऑटोनॉमी, जॉब टाइटल उसकी एस्टीम नीड्स के एग्जांपल हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और यही चीज अगर आप पर्सनल देखते हैं तो पर्सनल में इसका एग्जांपल हो सकता है स्टेटस इन सोसाइटी। ऐसा नहीं लगता कई बार जैसे कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो कोई बड़ा आदमी आता है, सोसाइटी का रेपुटेड आदमी आता है, तो ऐसा लगता है हाँ ये आदमी आया है, सब उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं या सब उसको ग्रीट करते हैं या वेलकम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर्सन का क्या है, स्टेटस है सोसाइटी में। और उसकी कौन सी नीड पूरी हो रही है, एस्टीम नीड्स पूरी हो रही है। तो एक आदमी जब ये तीनों की, ये शुरू की जो स्टार्टिंग की थ्री नीड्स कंप्लीट हो जाने के बाद वो किसकी नीड की रिक्वायरमेंट करता है, एस्टीम नीड्स की रिक्वायरमेंट करता है। ये एस्टीम नीड्स स्टेटस, ईगो से रिलेटेड होती है और उसे सेटिस्फाइड करने के बाद वो अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल समझता है या ऐसा लगता है उसको कि सोसाइटी में मेरी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। देखिए आगे उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट नीड है उसको बोलते हैं सेल्फ एक्विजिशन, एक्विलाइजेशन नीड्स। ओके, देखिए ये नीड वो है जो किसी अदर के लिए नहीं है, ना तो फैमिली के लिए है, ना तो फ्रेंड्स के लिए है, ना तो जॉब के लिए है, ये अपने खुद के इंटरनली सेटिस्फेक्शन के लिए है कि एक पर्सन अपने खुद के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्या करता है। जैसे मान लीजिए मुझे बचपन से डांस सीखने का शौक था, अब मेरा सब कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स कंप्लीट है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की मुझे कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं है, सब कुछ ओके है, अगर मेरी सोसाइटी में भी एक अच्छी रेपुटेशन है, कुलिक्स के साथ भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और मेरी नीड्स जो है ना एस्टीम नीड्स वो भी पूरी हो रही है, एक अच्छा जॉब टाइटल है मेरे पास, तब मैं कौन सी नीड की रिक्वायरमेंट करूंगी, एक ऐसी नीड जो आपको सेल्फ सेटिस्फाइड करती है। यानी मैं बचपन से अगर डांस सीखना चाहती तो अब मैं वो करूंगी, यानी मुझे खुद को ग्रोथ महसूस होगी कि मैं अपने आप को, बचपन से मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी या बचपन से मैं और कुछ सीखना चाहती थी या मैंने जो सोच रखा था उसको अचीव किया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्विलाइजेशन नीड्स। इसको एग्जांपल अगर देखिए, इंडिविजुअल एग्जांपल इसका है ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, कि खुद को मैंने करके दिखाया,
मैंने ये करके दिखाया, एक सोसाइटी में एक मैंने अच्छी रेपुटेशन बनाई, या मैंने आज ये करके दिखाया, ठीक है। और अगर इसमें हम देखें ऑर्गेनाइजेशन में कि ये हमारे गोल अचीव हुए, मैंने ये पाने के लिए ज्वाइन की थी कंपनी और मैंने ये अचीव करके दिखाया, या मैंने प्रॉफिट अर्न करके दिखाया, या मैंने एक एस्टैब्लिश कंपनी बना के दिखाई, ठीक है। तो ये नीड्स जो है वो मास्लो की हायरार्की थ्योरी के नाम से जानी जाती है, इसको हम मास्लो की हायरार्की थ्योरी कहते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरीके का आएगा कि केस दे दिया जाएगा जिसमें मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए इनमें से कोई नीड को यूज कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि वो कौन सी कैटेगरी की नीड को पूरा कर रहा है एम्प्लॉय की, या वो जो एम्प्लॉय है उसकी कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है, आपको उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये आपकी मास्लो की थ्योरी है। मास्लो ये मान के चलते हैं कि जब तक एक नीड पूरी नहीं होती तब तक दूसरी की रिक्वायरमेंट नहीं की जाएगी, दूसरी की डिमांड नहीं की जाएगी। ये उनके अजम्पशंस हैं कि जब तक फर्स्ट नीड पूरी नहीं होती है वो लाइक सेकंड लेवल वाली नीड पे नहीं जाएगा, और उसी तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप होके ही नीड पूरी करेगा। वैसे तो देखा जाए तो इसमें कम्प्लीटली सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक बार भूखा होता है, उसको हंगरनेस महसूस होती है, तो ऑफकोर्स उसको सेकेंड टाइम भी होगी। पर इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि मास्लो की थ्योरी बिल्कुल यूजलेस है, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, अच्छा गाइड है आपके लिए कि एज अ मैनेजर आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए उनकी नीड्स को किस तरीके से क्लासीफाई करोगे, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कोई पर्सन किस चीज़ से मोटिवेट होगा इस चीज़ को जानना इजी नहीं है। तो ये मास्लो की थ्योरी एक मैनेजर को हेल्प करती है कि वो नीड्स को क्लासिफाई कर सके और किस एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट करना है ये चीज़ क्लियर कर सके, ठीक है। तो जब वो मैनेजर सही डायरेक्शन में मोटिवेट करेगा तभी कोई एम्प्लॉय मोटिवेट होकर अपना एफिशिएंट देगा। तो यह आपकी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो कमेंट करिएगा, मेरे इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू बेटा।